ये हैं चैंपियन बाबा। इन्हें दाढ़ी वाले चैंपियन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उम्र है 65 वर्ष, लेकिन कारनामा ये ऐसा करते हैं कि हर कंपटीशन में जीत जाते हैं। अपनी 21 फीट लंबी दाढ़ी से ये दो दो गैस सिलेंडर्स उठा लेते हैं। इनका नाम है संत जानकी दास और 65 वर्ष के होने के बावजूद ये अपनी दाढ़ी से गैस सिलेंडर्स उठा लेते हैं। दाढ़ी से वजन उठाने की प्रतियोगिता में हमेशा अव्वल भी रहते हैं। संत का कहना है कि उन पर हनुमान जी की कृपा है। ये तो सभी जानते हैं कि राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है और राजस्थान में लंबी मूंछें रखना लोगों का शौक है। आज भी कई लोग अपनी लंबी मूंछों के लिए जाने जाते हैं। आज भी राजस्थान में कई जगह लंबी मूंछों के लिए मूंछ प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। भरतपुर जिले में स्थित एक हनुमान जी मंदिर के महंत 65 वर्षीय बाबा जानकी दास न केवल संत के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि लोग उन्हें दाढ़ी वाले चैंपियन बाबा के रूप में भी जानते हैं। बाबा जानकी दास अपनी 21 फीट लंबी दाढ़ी से गैस के दो सिलेंडर उठा सकते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु और आम साधुओं के बीच हुई दाढ़ी से वजन उठाने की प्रतियोगिता में बाबा जानकी दास पहले नंबर पर आए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दाढ़ी वाले बाबा ने दाढ़ी से वजन उठाकर प्रतियोगिता जीती और इनाम में इन्हें मोटरसाइकिल मिली। संत जानकी दास को पूछो कि युवाओं के लिए उनका क्या संदेश है, तो उनका यही कहना है कि हमेशा योग साधना और कसरत करनी चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सच में 65 वर्षीय संत जानकी दास लोगों के लिए मिसाल हैं।